Hello everyone, hi and welcome back to our channel. We are Bongers and this is our new video. And today we here. आपको पता है कि क्या लेके आए हम लोग यार, जॉली जिमखाना है हमारी मुस्कान बता रही है यार 9 मिनट लेट आई है सॉन्ग तो बोल रहे थे यार 6 PM को निकलेगी अभी यार वी गाइस करते करते मेरा हाथ दर्द हो गया कि कब आएगा सॉन्ग फ्रेश मारते मारते बोल मैंने अभी अरबिक कुत्ते सुना एंड वो जो बिजल का हमने लाज वाला सॉन्ग सुना था वो भी सुन के आए यार अभी तक फ्रस्ट्रेटेड थे पूरा ओके गाना सुन लेते हैं तो सबसे एक्साइटिंग वाली बात है कि यहाँ पे विजय सर ने खुद गाना गाया है और ये वाला 35th सॉन्ग है किसी ने बोला थर्टी फिफ्थ सॉन्ग है तो वी गाइस आर रियली एक्साइटेड फॉर दैट एंड अनिरुद्ध रविचंद्र सर ने ये वाला सॉन्ग कंपोज किया है तो आप हाइप खुद ही सोच सकते हो यार मैं सोच रही थी कि ये सॉन्ग मतलब जस्ट आया एंड हमने मैंने बस क्या बोलूं जस्ट रिफ्रेश मारा देखा वन व्यू मैं घुसी अंदर देखा 95K हालत खराब चलो बस गाना सुनते ओके 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 सो 1 2 3 एंड स्टार्ट वाला भाई चलिए बैकग्राउंड डांसर यार I'm loving that beat, yeah. This one is going to be in trend. Don't worry about that. Sardana. Ye wala hi tha na. Jaliya Gymkhana. Jaha. Oh. Yeah. Yaar ye wala. Arabic kutte mein bhi tha na jo wo wala part tha. शर्ट पहन के बैठी हूँ वाई यू नो क्यू ऐसा वाला मुझे स्टेप दो ना सर का
दैट वाज कोइंसिडेंस, मुझे नहीं पता था ऐसा वाला होने वाला है यार. वो 20 में तुम पहले से तो नहीं जानती थी ना. नो दैट वाज अ होल कोइंसिडेंस यार. वो पिछले वाले जो अरबी कुत्तू सॉन्ग में था ना, वो वाला एक पेंडेंट वाला मतलब एक पोस्टर था, दैट शॉट वाज किलर. और यहाँ पे वो सर का वो ऐसा वाला था ना, वो वाला वाज लाइक मैं बस एक्साइटेड थी क्योंकि उनके वॉइस की वजह से. या मैं बस वही नोटिस कर रही थी यार, हाउ एंटरटेनिंग दैट वाज. उनका वॉइस का वेरिएशन यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था पहले कि वो गाते भी है इतना, वो भी अच्छा. तो मुझे बोलना था फर्स्ट में कि सर के लिए अगर हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा, तो फर्स्ट में अनिरुद्ध सर के लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट कर देते. मैं बस लास्ट में देख रही थी, वो वाला प्रोमो भी में था ना जब उन्होंने चश्मा वो सनग्लासेस पहना, वो वाला प्रोमो में था. प्रोमो में था. और यहाँ पे ना वो जो सेकंड प्रोमो निकला है हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है. हमने सोचा था कि डायरेक्ट सॉन्ग देखेंगे, कोई बीच में कुछ नहीं आएगा. और यहाँ पे म्यूजिक के बारे में क्रिएट रहना चाहिए पहले से ही. ठीक है भाई, ठीक है, मगर सुन तो लो यार, अनिरुद्ध सर ने यहाँ पे क्या म्यूजिक कंपोज किया है यार. यू कैन लाइक ग्रूव इन दैट. और आप ना, आप अगर ग्रूव करना स्टार्ट करोगे तो यार फेड अप भी नहीं फील. और यहाँ पर देखा उन्होंने तुमने जो पहले बोला हवाई वाला, तो उन्होंने थोड़ा सा वो वाला टच तो रखा, हवाई या फिर गोवा बोल दो, कॉस्ट्यूम वाइज. बट थोड़ा सा था वापस स्नो का भी सेट था, तुमने देखा वो वाला. तो यार वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है आप पर, अगर आप देख लो तो. वीडियो कब आएगी पता नहीं, बट यार जब भी आएगी वो वाली मस्त होगी एकदम. और यहाँ पे यार आइकॉनिक स्टेप वाला वो वाला तो ट्रेंडिंग में जाने वाला है. वेट फॉर दैट. एंड यार आई नो कि एज डजंट मैटर, बट यार वो अभी भी जो करते हैं ना, इतना ग्रेसफुली, इतना लाइक ग्लो रहता है वो चेहरे पे अभी भी. जो वो 10 साल पहले जो था ना, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ मुझे जो लगता है. लाइक लुक वाइज अगर आप बोलो तो चेंज हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि उनका बियर्ड पहले नहीं था. आई वॉच्ड की पहले जस्ट मतलब वो मूछें थी. आई थिंक पर्सनालिटी भी उनका बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है विद इन दैट पीरियड, तो मुझे लगता है. और यार आई टोटली लव पूजा हेगड़े मैम कॉस्ट्यूम ऑल्सो यार, उनका लुक से लेके उनका एक्सप्रेशन तक यार, दैट वाज टोटली लाजवाब. जो आइकॉनिक स्टेप था वो 2 बार दिखाया गया है, तो वीडियो अभी तक तो पूरा कुछ नहीं दिखाया गया है, सेट दिखाया उन्होंने कि ऐसा कुछ हो सकता है, होगा, हो सकता है क्या. मगर हम लोग इतना सा भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आए थे, क्योंकि हमें पता है साउथ के सॉन्ग फुल नहीं छोड़ते हैं. वो जो लिरिकल दिखाया ना, मैंने फिर भी एक्साइटमेंट के साथ ही खोला था कि नहीं एक्साइटमेंट नहीं कमेगा जो पहले होता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि ऐसा होता भी है. सो या ऑब्वियसली वी रियली डोंट नीड टू से कि हम लोगों को पसंद आया कि नहीं. आप लोग हमारा एक्साइटमेंट देख के ही जज कर सकते हो. एंड वी आर गोइंग टू ग्रूव इन दैट सॉन्ग आफ्टर दिस वीडियो, सो आप भी घर में ग्रूव कर देना यार, जिम करना. एंड यार मैं इतना ज्यादा शायद एक्साइटेड तब भी नहीं थी जबकि मेरे इसका एग्जाम आ रहा है, ये अभी बैठ के सर का मेरा जब CGPA 8.9 आया था, तब भी मैं तेरे को घर से निकाल देंगे हम लोग मिलके. देखा, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. मगर हमारे वीडियो को शेयर करने से पहले सर का वीडियो जाके शेयर करो, ऑब्वियसली करेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर ही दोगे. बट थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग अस हमारी ना ऑप्शन अब बातों को झेलने के लिए, बग बग झेलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट. बाय बाय, स्टे सेफ, लव लव.